क्या घटना घटी? एक तो बच्चा डूब गया, तब आया था सुबह 6:30 बजे आसपास नहाने के क्रम में। अब नहाने आया था, घूमने आया था, ये हमको नहीं पता है, कोई हमको बताए जैसा बताए उसे बता रहे। झरिया के भौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जामडोबा लाल बंगला दामोदर नदी में नहाने के दौरान 14 वर्षीय युवक डूबा। स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की छानबीन जारी। मौके पर युवक के परिजन के साथ भौरा पुलिस भी दलबल के साथ मौजूद। क्या घटना घटी? एक तो बच्चा डूब गया, तब आया था सुबह 6:30 बजे आसपास नहाने के क्रम में। अब नहाने आया था, घूमने आया था, ये हमको नहीं पता है, कोई हमको बताए जैसा बताए उसे बता रहे। तो लोग आया था, कोई टट्टी करने गया, उसके बाद पैर छूने गया, शायद पैर फिसल गया। फिर आपको जब सूचना मिली, जब सूचना मिला तो हम आए यहाँ, तो फिर ग्रामीण भी आया, फिर बोला सब प्रशासन को खबर दीजिए, तो हम प्रशासन को भी सूचना दिए, बड़ा ओपी का, बड़ा बोली का, छोटा बोली का। फिर उन लोग प्रशासन भी आया, प्रशासन के सामने 2-2.5 घंटा खोजे भी, कम से कम 25-30 लड़का के साथ, मगर यहाँ नहीं मिला। यहाँ नहीं, क्या लग रहा है यहाँ से? यहाँ उम्मीद नहीं, हमको लग रहा है कि बाहर ले गया होगा नीचे तक। दादा एक बात और बता रहे हैं, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलने के कारण खोजबीन में दिक्कत हो रही है, ऐसा पूछे गए? एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पा रहा था, लड़का लोग थोड़ा सा डर गया है, उन लोग थोड़ा सा अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस नहीं कि कहाँ हुआ है, हम लोग पूछ रहे हैं, मगर वो बताने में। कितने लोग आया था वो, कुछ ये जानकारी है क्या, कितने लोग आया था? उन लोग 2-3 तो लड़का आया था, उसमें से सब लगा और समझ।